यहाँ पर मैं वो मछली खाने के लिए आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं, उनके रेट्स क्या हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि ये सरसों के तेल के अंदर मछली को फ्राई करते हैं और चूल्हा जो है वो इनका लकड़ी का है, यानी लकड़ी की आग जलाते हैं और लकड़ी की आग से भराते हैं इसको। बारबेक्यू भी मिलता है यहाँ पर मछली का और फ्राइड फिश भी मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मशहूद। आज मैं मौजूद हूँ पहलवान गोट के मेन चौरंगी के ऊपर। यहाँ पर मैं हूँ मछली खाने के लिए। आप लोग सुन के हैरान हो रहे होंगे, गर्मी की मछली, भाई मछली जो है वो 12 महीने खाई जाती है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में रिवाज है लोग सर्दी के मौसम के अंदर ही मछली खाना पसंद करते हैं, या चौपर चौक से कह लें या बहुत ज़्यादा तादाद में कह लें, मछली का खाना सर्दियों में ही होता है। वैसे ही खुराक 12 महीने की, और हार्ट पेशेंट के लिए मछली बहुत अच्छी होती है, वाइट मीट में शुमार होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होती है, तो मछली खाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क के अंदर मछली सर्दियों में ज़्यादा रफ्त है, बहरहाल बहुत ज़्यादा हाई सर्दियों में भी हमने कोशिश करी, लेकिन जब भी हम आते थे तो ये इनके पास मछली ख़त्म हो गई होती थी, नहीं ब्लॉग बना पाए। आज इसके पास से मैं यहाँ आया हूँ तो ब्लॉग बना रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं, उनके रेट्स क्या हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि ये सरसों के तेल के अंदर मछली को फ्राई करते हैं और चूल्हा जो है वो इनका लकड़ी का है, यानी लकड़ी की आग जलाते हैं और लकड़ी की आग से भराते हैं इसको। बारबेक्यू भी मिलता है यहाँ पर मछली का और फ्राइड फिश भी मिलता है। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। तो व्यूवर्स, मैं अमजद अली फिश शॉप के ऊपर मौजूद हूँ जो कि पहलवान रोड की चौरंगी के बिल्कुल साथ है, और ये देख लीजिए ये मछलियाँ हैं और ये इनका फ्राइंग का कटर लगा हुआ, तो इनसे पूछते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं और कौन कौन से किसान हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम क्या आपका भाई? नाम इनका शेर खान है, और इनसे पूछते हैं भाई शेर खान भाई, ये कौन सी मछली है? हीरा मछली है। कौन सी? हीरा। हीरा समंदर की मछली है, ये तो कन्फर्म है सर। ये समंदर की मछली भाई, ये फार्म जो मछली नहीं है। और ये फिंगर जो है, ये फिंगर किस पे बना रहे हैं शेरखान भाई? कुकड़ का फिंगर है कि ये इनके कहने के कारण? शेरखान भाई ये कौन सा है? ये दलिया है जी। और ये छोटा दलिया है, ये बड़ा दलिया है, ये ईरानी पॉपलेट है, ये ईरानी पॉपलेट है जी, ये भी वही है, ये हीरा है, बड़ा ये भी हीरा है, और ये जो पड़ी है ये मुश्के है, ये मुश्का है जी, बड़ा मुश्का, और इसमें बड़ा मुश्का भी, इनके बड़ा दाना भी यही रहेगी। जैसा आपको खाना हो वैसे आपको मिल जाएगी जी मछली। अब इनके रेट भी पूछ लेते हैं शेर खान भाई, इनका रेट बताइएगा साथ साथ में। ये दलिया था, ये क्या रेट है इसका? ये मुश्का है जी 1200 रुपये किलो। ये फिंगर फिश जो है ये 1400 रुपये किलो है, 1400 रुपये किलो है। ये वाइट पापलेट जो है ये 1200, ये 1400 रुपये किलो है। और ये हीरा जो आपने बताया था, ये 1400 रुपये किलो, हीरा भी 1400, छोटा है वो 1200 रुपये, छोटा 1200। और ये जो है ये मुश्का बड़ा वाला, ये भी 1400। वो वीवर था, इनका ऑलमोस्ट रेट जो है वो 1400 रुपये किलो है। उसके अंदर चाहे फ्राई करें चाहे बारबी की करें, भाई एक ही रेट है भाई ऑलमोस्ट इनका 1400 रुपये। चाहे मिक्सर ले लें चाहे कोई सी भी मछली ले लें, हाँ मछली अगर थोड़ी सी छोटी है तो फिर ये 1200 रुपये किलो चार्ज करता है। अब हम अपना ऑर्डर देते हैं और फिर इनका ना जायके भी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ये जी हम अपने खाने के लिए फिश चूज कर रहे हैं, तो ये एक दाना हमने मुल्ला का लिया है और थोड़ी सी फिंगर फिश लेते हैं, और इसके साथ मुल्ला के साथ और कौन सी फिश लेते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जी हमने मुल्ला लिए हैं खाने के लिए मछली, जिसको हम फ्राई करा रहे हैं। फिंगर फिश मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, फिंगर फिश लिए हमने, फ्राई कराई है, और साथ में आलू पापलेट का छोटा दाना लिया है, और मुश्का भी लिया है मैंने। ये मुश्का है, इसका छोटा दाना लिया है, उसको हम करा रहे हैं बारबेक्यू। ठीक है, तो ये चार मछलियाँ दी हैं, चारों को चारों टेस्ट करेंगे आपको बताएंगे। मेरे साथ है दानियल। ये जी हमारे दानियल भाई जो हमको इस सेटअप के ऊपर लेके आए हैं, हम जो दिल्ली फिश शॉप के ऊपर पहलवान रोड के ऊपर। ये देखें आज मछली फोड़ने के लिए आए,
वैसे तो ये कढ़ाइयों का शौकीन है। ये हमारा ऑर्डर फ्राई भी हो के आ गया, बहुत क्विक सर्विस है। और गर्मी में आप लोग सोच रहे होंगे कौन मछली खाता है, और आप यकीन जाने बहुत मुश्किल हुई मुझे व्लॉग बनाने के अंदर। वो पारी की जो रहते हैं शेर अली भाई, हम जो गली गए उनके मामू का नाम है शेर अली, जो बना रहा है उसका नाम है, और यहाँ पर और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारा ऑर्डर आ गया है। ये देखिए, ये भी फ्राई हो गए सरसों में तेल के अंदर, लकड़ी के आग के ऊपर फ्राई हो गए। मुन्ना फिश है समंदरी जो आ गई है। ये जी फिंगर फिश है जिसको बोल रहे हैं कुकड़ मछली है, जिसको उन्होंने फिंगर के अंदर तब्दील कर दिया है। और ये जी ईरानी पापलेट छोटी वाली, ये भी फ्राई किया है। अभी एक जो है वो बारबेक्यू, आप वीडियो में आपने देखा होगा बारबेक्यू लगा हुआ है, वो मुश्किल है। ये जी चपाती है मैंने साथ में सर्व करनी है। ये चटनी चेक करके बता दूँगा, वैसे बगैर कुछ लगाए मैं इसको चेक कर रहा हूँ ये कैसा टेस्ट है। ये मसाले डाले ना, इसमें मसाले इन्होंने डाला नहीं। सुभान अल्लाह, मछली का अपना जायका बड़ा ज़बरदस्त है। सरसों का तेल जो फ्राई होने से इसकी लज्जत में इजाफा हो गया है, और लकड़ी की आग पे बनने की वजह से उसका अरोमा भी आ रहा है। तो ये तो है मज़ेदार। ये अब देखें लजीज। ये है जी मुल्ला मछली, ये बहुत मजे की है। वो चटनी वो मसाला ऊपर से छिड़का, दूध को भी नहीं डाला मैंने अभी। ये वाइट पापलेट है जी, ये वाइट पापलेट का पीस निकाला मैंने। Awesome. मज़ा आ गया जी। मछली और इनके लगाए हुए मसालों का अपना टेस्ट है, ऊपर से और कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी तक मैंने। वेल डन। हमारी बारबेक्यू फिश आता है, जब तक हम इसको खा रहे हैं तो हम इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए और मछली को एंजॉय करें। अभी आना चाहे अभी आए, सर्दियों में आना चाहे सर्दियों में, आपकी मर्जी। ये जी हमारी बुस्ता मछली जो है, ये बारबेक्यू होके आ गई है, और इसको इन्होंने किताब की शक्ल में बारबेक्यू किया है बगैर कुछ लगाए इनके अपने मसाले पे। मछली का अपने गोश्त का टेस्ट और इनके मसाले का टेस्ट बहुत ही गर्म है, हाथ में पकड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन गर्म गर्म का खा के आपको बताना है। तो भाई ओहो बहुत गर्म है। मज़ा आ गया। अभी मैंने चटनी वटनी कुछ भी नहीं लगाई भाई, बहुत कम जबरदस्त बोली रिकमेंडेड। हाँ हाँ खाना खत्म हो गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह के ऊपर ऐसा जायका मिलेगा। लिटरली वाकई में पेट भर गया था, लेकिन दिल नहीं भर रहा था। मछली का तो यार तुम इतने शौकीन ही नहीं हो। बस ये हमें भी किसी ने बताया था तो हम आपको लेके आए यहाँ पे, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह फिर आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, और सारों को लेके आएंगे। और दोस्तों को रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबको करते हैं, सब आएंगे इंशाल्लाह, और सबको लेके भी आएंगे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मछली जब कभी भी कहीं पर भी खाने गए तो इतना मज़ा नहीं आया जो आज बजा है। रियली यही मेरे कमेंट है, यही मेरे साथ जो दानिया लोग के कमेंट है। हम लोग केवाड़ी पर भी गए, केवाड़ी पे राशिद बंगाली पर भी गए, और भी बहुत सारी जगहों में मछली खाई, मछली का एक्सपीरियंस किया, लेकिन यहाँ को अजब की बात थी। रियली पेट भर गया था लेकिन दिल नहीं भर रहा था। इतनी सारी मछली आपके सामने खरीदी थी, तकरीबन 1.5 किलो से भी थोड़ा ऊपर मछली थी। सारी मछली फिनिश करी थी, एक आध पीस जो है वो फिंगर का बचा है, बाकी सब हमने खा लिया। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस। यहाँ पर रश तो बहुत है, जायका भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फैमिलीज के बैठने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी फैमिलीज आती हैं, रोड के ऊपर ही
टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर भी बैठ कर लोग गाड़ियों में बैठ के भी जाते हैं, पार्सल भी ले जाते हैं। भाई जायका चाहिए तो फिर कहीं पर भी जाना पड़ेगा आपको। इनका छोटा सा सेटअप है लेकिन जिस तेजी से गर्मियों के दिनों में चलना है, सर्दियों में अच्छा चल ही थे, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे जायके दे रहे हैं तो ये आगे भी चलें, तो इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि अच्छा कोई बड़ा सेटअप डाल लेंगे अपने होटल का, रेस्टोरेंट का, वहाँ पर फिर फैमिली जो है आराम से बैठ सकेंगे। लेकिन अभी भी बहरहाल आ रही हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, मैं भी देखा बैठा हुआ तकत के ऊपर। मेरे रिकमेंडेशन पर यहाँ पर ज़रूर आइएगा, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी जगह पर नए जायकों के साथ। अल्लाह हाफिज़।